हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में। बता दूं मैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फाइनली बीएफए एंड एमएफए या यू कहूँ यूजी एंड पीजी के अंतर्गत जितने भी कोर्सेस आते हैं उन सभी कोर्सेस का एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एग्जाम कब होने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो कब से कब तक रहेगी, लास्ट डेट कब है, लेट डेट जो है वो कब है, और साथ ही कितनी सीट है, क्या फी है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ विद डिटेलिंग के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी बैक टू बैक मिल सके। चलिए मैं अभी आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। इस पीडीएफ में वो सारी चीजें मेंशन है और ये पीडीएफ पूरी तरह ऑफिशियली है। मैं बता दूं कि ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और डाउनलोड चाहो तो कर सकते हैं। और साथ ही कोचेज मैं कहना चाहूंगी गाइस कि मेरा एक और चैनल है कोमल बर्णवाल ब्लॉग के नाम से, एक बार जाके उस चैनल को भी जरूर विजिट करें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए मैं आप लोगों के साथ फाइनली पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये पीडीएफ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, ये ऑफिशियली पीडीएफ है। स्क्रॉल करते नीचे देखते लिखा हुआ एंट्रेंस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2022-2023। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 से 2023 तक। मतलब कहने का है कि ये चारों चीज़ों के बारे में इस पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है कि कब ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे, कब एडमिशन होगा। तो चलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, सारे डेट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट पे है प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि। मतलब जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। इसका डेट जो दिया हुआ है 21 मई से लेकर 15 जून तक है। और यहाँ पे बता दूँ कि जो डेट मेंशन है वो सिर्फ यूजी कोर्सेज वाले लोगों के लिए नहीं है, पीजी कोर्सेज वाले लोगों के लिए भी है। मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए, और साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज वाले भी और प्रोफेशनल कोर्सेज वाले, चारों कोर्सेज वाले लोगों के लिए डेट मेंशन है। स्क्रॉल करके नीचे आगे बढ़ते हैं, लिखा है इंडियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका जो फी पेमेंट है उसकी अंतिम तिथि है 15 जून। उसके बाद है प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रिंट करवाने की तिथि। जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकलवाने की जो डेट है वो है 17 जून, 17 जून तक की ही लास्ट डेट है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है विलम्ब शुल्क ₹300 के साथ प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि। अगर आप ने टाइम पे फॉर्म नहीं भरा है और आप लेट हो गए हैं तो लेट होने के बाद आपको ₹300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब जितना एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज है उससे एक्स्ट्रा ₹300 देना पड़ेगा। और लेट से फॉर्म भरने का डेट है 18 to 23 जून, 18 जून से 23 जून तक। उसके बाद है इसका भी जो पेमेंट करना है आपको वो 23 जून लास्ट डेट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा है विलम्ब शुल्क 300 के साथ प्रवेश परीक्षा पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रिंट निकालने की तिथि जो है वो 25 जून तक है। तो ये तो रहा डेट जो कि चारों कोर्सेज के लिए है। तो फ्रेंड्स, स्क्रॉल करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण, ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए ये है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों हेतु अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए, BFA, BMUS, BPED, BSc, BLLB, पाँच वर्षीय छोड़कर। मतलब ये कोर्स ऐसे जिनका 5 ईयर के अंतर्गत नहीं आता हो, 5 वर्षीय छोड़कर उनकी जो फ़ी है वो 800 है। वहीं सेकेंड नंबर पे जाएंगे तो सारी चीज़ें सेम लिखी हुई है, बट यहाँ पे लिखा हुआ 5 वर्षीय के लिए, छोड़कर नहीं लिखा हुआ है, के लिए उनकी जो फ़ी है वो 1000 है। उसी तरीके से नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए कहा जा रहा है, इसमें ₹700 दिखाया जा रहा है और फोर्थ नंबर पे ₹900 दिखाया जा रहा है।
ये तो हो गया डिप्लोमा, बाकी आगे जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़िएगा तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि BFA कोर्स में जो सीट है वो टोटल कितनी सीट है और फ़ी पेमेंट करनी होगी तो कितनी करनी पड़ेगी, रेगुलर सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है, दोनों की फ़ी पेमेंट कितनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सभी कोर्सेज का यहाँ पे मेंशन है, जितनी भी अलग अलग कोर्सेज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ BFA और MFA का बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे BFA लिखा हुआ है, ठीक है, कोड है 104, सीट है ये रेगुलर सीट 40 है और पेमेंट यहाँ पे देखिए अगर मैं ऊपर करूँ स्लाइड तो एक रेगुलर सीट है एक पेमेंट है, पेमेंट मतलब पेड सीट समझिए, ठीक है। तो रेगुलर सीट जो है वो 40 है, पेड सीट 20 यानी टोटल सीट आपका 60 सीट है। रेगुलर सीट वालों के लिए जो पेमेंट करना है वो 3,190 रुपीज़ करना है और पेड सीट वाले लोगों को 7,600 रुपीज़ पेड करना है। तो चलिए अब बात करते हैं MFA वाले स्टूडेंट का, स्क्रॉल करते हो वापस से आप नीचे जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ MFA पेंटिंग अप्लाइड एंड स्कल्पचर, जूम करके मैं दिखा दूँ यहाँ पे पेंटिंग अप्लाइड एंड स्कल्पचर लिखा है, ठीक है। 4 सेमेस्टर MFA जो होता है वो 4 सेमेस्टर का ही होता है और पेंटिंग में जो सीट है वो 50 सीट है, वहीं अप्लाइड में जो सीट है वो 20 है और स्कल्पचर में भी 20 सीट है। यहाँ पे रेगुलर सीट एक भी मेंशन नहीं है, सारा पेमेंट देखिए यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है और उसी में सीट दिखाई गई है। अब बात करें फ़ी की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पेंटिंग के लिए भी 20,000 लिखा है, अप्लाइड के लिए भी 20,000 एंड स्कल्पचर के लिए भी 20,000, तो तीनों के लिए आपको 20,000 ईच फ़ी पेमेंट करना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं MFA के लिए। और बात करूँ तो एग्ज़ाम कब होंगे या फिर एडमिट कार्ड कब आएगा, बाकी जो भी आगे की प्रोसेस है वो आपको आने वाले टाइम पे अपडेट मिलेगा, अभी उसकी अपडेट आई नहीं है और जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इस PDF की जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। PDF आप लोग के पास है, आप लोग चाहो तो जितनी डिटेलिंग में पढ़नी है आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं और फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स से ही पूछिएगा, मैं अलग से उस पर भी वीडियोस अगर लगेगा कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मैं वीडियोस आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। तो ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहे इस चैनल से, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़े, बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़े, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।